तो जैसे हमने यहाँ पर आज सीख रहे हैं शेप बिल्डर के बारे में, तो शेप बिल्डर का एक टूल है जिसको हम बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं उसको देखते हैं। पहले हम शेप बिल्डर लिख लेते हैं यहाँ पे, क्लिक करके यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। तो अजीब तरीके से लिख दिया गया है। तो देखिए शेप बिल्डर तीन तरह से काम करता है, या तो ये ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा, या ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर देगा, या फिर ऑब्जेक्ट को डिलीट ब्रेक या ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर देगा। ठीक है, तो हमने कहा कितना ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या कर सकता है। ऑब्जेक्ट को ये क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करेगा। ये तीन काम करेगा, लेकिन उन ऑब्जेक्ट के साथ करेगा जो ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप, ओवरलैप मतलब क्या होता है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर आ गया, इस ऑब्जेक्ट ने इसको ओवरलैप किया। ठीक है, अब देखना इसी तरीके से। तो यहाँ पर हमने एक शेप बनाया और शेप को बना के हमने यहाँ से इसको कोई कलर दिया, क्लिक किया और इससे मिलकर एक दो तीन और शेप बना ली। जैसे कि हमने एक शेप इस तरह से रख दिया, दूसरा शेप हमने उठा के इसके साइड पर रख दिया। अब देखा जाए तो ये कितने शेप्स हैं, तीन शेप्स हैं। तो यहाँ पे हमने इसको अलग कलर दे दिया, इसको अलग कलर दे दिया, लेकिन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता पड़ा ये तीन नहीं बल्कि एक दो तीन चार पाँच शेप्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एक शेप बनाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और शिफ्ट के साथ इसको यहाँ पर रोटेट कर देते हैं, ऑल्टर के साथ पकड़ के इसको यहाँ पर डुप्लीकेट करते हैं, फिर ऑल्टर के साथ इसको पकड़ के डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं चार शेप। यानी आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पता पड़ रहा है एक दो तीन चार पाँच छ सात शेप हैं। अब इनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, सबको सेलेक्ट कर लेंगे, शेप बिल्डर ये देखें टूल यहाँ मिलेगा हमें, लेके एक क्लिक, दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां और नौ क्लिक करने के बाद ये नौ शेप्स बन गए। अब हम इनकी कलर स्कीम्स को देखते हैं, तो यहाँ पे ब्लू आ रहा है तो सिर्फ हम बीच वाले हिस्सों को लेके सेलेक्ट करके यहाँ से इसको एक कलर दे देते हैं, सपोज कभी ये वाला, और इसको यहाँ से क्लिक करके ये वाला आई ड्रॉपर से इसका ये कलर ले लेते हैं। दोबारा से इसको क्लिक करके यहाँ से मूव टूल लेते हैं और आई ड्रॉपर लेके इस कलर पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर अगर कुछ और कलर देने हैं तो सपोज कभी इसको हमने ये कलर दे दिया या हमने इसको ये कलर दे दिया, और उसके बाद इस शेप को भी वही कलर देना है तो यहाँ आई ड्रॉपर पे क्लिक करके यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया, इस पर वही कलर दे दिया। इस पर क्लिक करके भी हमने इसी तरह की कोई स्कीम पे अप्लाई करना है, सपोज कभी हमने ये कलर दे दिया इसको, या फिर हमने ये कलर दे दिया इसको, ये कलर दे दिया, और उसके बाद हमें यहाँ पर भी क्लिक करके इसको भी यही कलर देना है तो क्लिक करके इसको अप्लाई कर दिया, ये कलर देना है। तो देखिए इस तरह का शेप इस तरह से इजीली निकल आया। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, तो उस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ से एक सर्किल लिया हमने, सर्किल को लेके हमने ऑल्टर के साथ एक दूसरा सर्किल लिया और एक तीसरा सर्किल लिया। ठीक है, तीन सर्किल लेके और चौथा सर्किल लिया, चार सर्किल को रख दिया, चारों को सेलेक्ट करके हमने ऐसे रख दिया। ठीक है, ये हमारे सामने इस तरह से आ रहे हैं। अब यहाँ से क्लिक करके शेप बिल्डर लिया, शेप बिल्डर लेके इसको जितने हिस्सों में ब्रेक करना है आप इजिली कर लें, क्लिक क्लिक क्लिक, तीन अलग हो गए, ब्रेक हो गया। ठीक है, अब अगर आपने इन दोनों को डिलीट करना है तो क्या करना है, अल्टर का बटन दबा के फिर क्लिक करना, तो ये डिलीट हो गए और इस तरह से देखें ये एक और शेप निकल के आ गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये देखें पूरा पीस इस तरह से निकल के आ गया, ये देखें ये पीस इस तरह से निकल के आ गया। इस तरह से आप इनको शेप बिल्डर के जरिए अलग अलग हिस्सों में कर सकते हैं। अब डिलीट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक जो है ना ये वाला ऑब्जेक्ट है, सपोज टू बी एक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट को बना के हमने जो है थोड़ा सा स्किप्स कर दिया और इसके बाद हमने यहाँ से रोटेशन लिया, रोटेशन लेने के बाद ऑल्टर के साथ इस पे इस हिस्से पे क्लिक किया और यहाँ से 360 डिग्री के ऊपर हमने 14 ऑब्जेक्ट की डिमांड करी, कॉपी किया, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कर दिया, इस तरह से कर दिया। अब यहाँ से हमने शेप टूल लिया और इसके ऊपर ये एक और कलर डाला हमने। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, यानी कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और इसको यहाँ से छोटा करें यहाँ से इस तरीके से, और इसके बाद हमने इसको यहाँ से क्लिक करके इसको भी छोटा कर लेना है, तो यहाँ पे क्लिक करके हमने ब्लू कलर दे दिया इसको और यहाँ से उठा के इसको ऊपर यहाँ पे रख दिया इस तरीके से। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके मैंने दो हिस्से कर दिया, ऑल्टर कर दिया, इस तरह से डुप्लीकेट हो गया, एक में मुझे ये करना है कि ये बाहर वाले हिस्से रखने और एक में अंदर वाला हिस्सा रखना है, तो अगर बाहर वाले हिस्से रखने हैं तो इनको सबको सेलेक्ट कर दिया मैंने इस तरीके से, शेप बिल्डर ले लिया यहाँ से और फिर ऑल्टर के साथ ये अंदर वाले सारे के सारे डिलीट कर दिए ऑल्टर के साथ। ठीक है, और देखिए ये एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया और यहाँ से इसको आप हटा दें, ये एक शेप निकल आया इसमें। ठीक है,
दूसरा ये है कि आपने इसको सेलेक्ट किया, बाहर वाले सारे डिलीट करने, अंदर वाले रखने, शेप और शेप बिल्डर लिया और उसको इस तरीके से आपने घुमा के इसके ऊपर आप लगा दिया, तो बाहर वाले सारे डिलीट हो गए और सर्किल को हटाएंगे तो अंदर वाले से रहेगा। ये देखिए ये दोनों शेप हमने इसकी सर्किल की मदद से, शेप बिल्डर की मदद से हमने निकाल लिया। तो ये इस तरह से करता है, इसी चीज को एक तरफ से और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमने क्लिक किया, राउंडेड रेक्टेंगल लिया इस तरह से, और इसको रोटेशन टूल की मदद से मैंने इसको अल्टर दबा के क्लिक किया और 45 डिग्री पे इसको मूव कर दिया। कॉपी ले ली इसकी यहाँ पे 45 डिग्री पे क्लिक करने का, इसको हटा दिया, इसको क्लिक किया यहाँ से रोटेशन की जगह पे, अब लिया मैंने रिफ्लेक्शन और अल्टर के साथ सेंटर में क्लिक करके दोबारा से इसका एक रिफ्लेक्शन ले लिया इस तरीके से, क्लिक किया दोनों को, सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर लिया, अल्टर के साथ ये दोनों शेप काट दिए, जबकि बगैर अल्टर के इन तीनों शेप्स को मैंने ऐसे ड्रैग करके जोड़ दिया, तो ये एक शेप यहाँ पे इस तरह से क्रिएट होके आ गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे क्लिक किया और उसको उठा के यहाँ पे इस तरीके से रख दिया, तो ये देखिए दो शेप्स इस तरह से बन गए। तीसरा शेप लेना आपने इस तरीके से रख दिया, आपने इस तरीके से क्लिक करके, तो ये तीन शेप्स इस पर इस तरीके से इजीली निकल के आ सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पे, ग्रीन कलर दे दिया इसको और उसको लाइट ग्रीन दे दिया इसको और उसको लाइट ग्रीन दे दिया इसको हमने यहाँ पे क्लिक करके, तो ये इस तरीके से शेप्स इसके निकल के आ गए। ठीक है, तो इस तरह से शेप बिल्डर काम कर रहा होता है। तीसरे ऑप्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके एक शेप बना रहे हैं इस तरह का, और इस शेप को बनाने के बाद हमने यहाँ पे एक और शेप बनाया, जो कि हमने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, ये शेप हमने इस तरीके से बना दिया और क्लिक किया उसको यहाँ पे, और क्लिक किया हमने यहाँ पे, क्लिक किया ऑल्टर के साथ यहाँ पे। अब यहाँ पे इतनी डिस्टेंस पे आएगा ही मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैंने यहाँ से क्लिक किया और रिफ्लेक्शन पे क्लिक किया और उसका सेंटर पॉइंट निकाला। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट हमने यहाँ से लिया, ऑल्टर के साथ क्लिक किया और यहाँ से कॉपी कर दिया, उसका सेंटर पॉइंट निकल गया यहाँ पे आ गया। इसके बाद एक और शेप लिया हमने यहाँ से, इसको क्लिक किया यहाँ पे, इसको क्लिक किया यहाँ से, क्लिक करके हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। हम इन तीनों शेप्स को मिला के एक करना है, सबको एक साथ सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर लिया, शेप बिल्डर लेके इसको इस तरीके से जोड़ दिया, इधर इसको जोड़ दिया, इधर इसको जोड़ दिया, तो ये देखें एक शेप क्रिएट हो गया इस तरीके से। ऐसे बहुत सारे शेप्स मिला के भी आप शेप्स बनाते जाएंगे तो वो शेप एक क्रिएट होता चला जाएगा। तो ये इसके हवाले से था, शेप बिल्डर के हवाले से किस तरह से काम करता है और कितने किस्म के हम इसके अंदर मामला को डील कर सकते हैं। तो आपको पहले टूल समझ में आ जाए, तीन काम करता है, डिलीट, ब्रेक और ज्वाइन। तो मैंने ज्वाइन भी करके बताया, ब्रेक भी करके बताया और उसमें से उसको डिलीट भी करके बताया। एक और कॉन्सेप्ट आप ये ले सकते हैं कि अगर आप एक शेप बनाया और उस शेप को उठा के आपने इस पर रख दिया, अब आप क्या चाह रहे हैं, इन शेप्स में से ये बीच में एक होल निकालना चाह रहे हैं, तो आपने सबको सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर लिया यहाँ पे और अल्टर के साथ इस तरह से इसको डिलीट कर दिया, तो ये देखें इन तीनों शेप्स के दरमियान का एक होल निकल गया। तो किसी भी शेप से इस तरह से होल निकाल सकते हैं, किसी भी शेप के आगे पीछे के शेप को काट सकते हैं, कोई और शेप निकाल सकते हैं, तो ये चीजें आप इस पे इजीली कर सकते हैं, जिस टूल का नाम है शेप बिल्डर। ठीक है,